चलिए जी दोस्तों, फाइनली वो दिन आ गया है। पिछले हफ्ते से हम ट्राई कर रहे थे उस जगह जाने की, और फाइनली अब हम जा रहे हैं, तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मस्त जगह है, बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड जगह है, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, बहुत ही विजिट करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। सो जी गाइस, हम पहुंच चुके हैं विद्वन पार्क। ब्यूटीफुल फैमिली, सभी सब्सक्राइबर्स को मेरा प्यार भरा दिल से नमस्कार है दोस्तों। स्वागत है नए व्लॉग में सुनहरी सुबह के साथ। सो जी दोस्तों, सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग आज हम आ गए हैं नोएडा वाले स्टेडियम जिम में आए हैं वर्कआउट करने, क्योंकि हमारे वहाँ कुछ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम चल रही है, तो अभी वहाँ वर्कआउट नहीं हो रहा है। तो अपन लोग सबसे पहले यहाँ जिम में आ गए हैं। नोएडा स्टेडियम वाला भी अपना ही ब्रांच है ना, आर फिटनेस का, गुरु जी का हमारे। तो अभी फिलहाल यहाँ पर एक्सरसाइज चल रही है, तो आज सबसे पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं, एंड उसके बाद शाम को फिर आपको जैसे डिस्क्रिप्शन में दिखी गया है मस्त एक अपना प्लान है जाने का। सो बने रहिएगा, देखते रहिएगा एज लिमिटलेस व्लॉग, बहुत मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में। चलिए तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं व्लॉग का, लेके भोलेनाथ का नाम हमेशा की तरह हर हर महादेव। चलिए दोस्तों, वर्कआउट करके आ चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा हुमस हो रही है यार, ह्यूमिड बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी हो रही है। तो क्या नाचो भाई? लो जी, लाइट गई हुई है नोएडा में। चलिए नहा धो लो, फ्रेश होते हैं, और अभी तक तो अभी सब सो ही रहे हैं। टाइम हो गया है 8:30 हो गए। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है हमारे ब्लॉग में, जो शुरुआत हो चुकी होगी इनके साथ। हेलो गाइस, हाय भाग्यवान, क्या हाल है? आज भाग्यवान जी, मैं शुरू कर चुका हूँ सुबह सुबह ब्लॉग, ठीक है? दोबारा कष्ट ना करें, पकाए ना दोबारा हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स को, है ना गाइस? हो चुका है स्टार्ट। गाइस आज ब्लॉग में मनीषा फिर देखेगी, क्योंकि आज वर्क फ्रॉम होम हो गया। नहीं मानता, अरे इनकी चिट्ठी आ गई, चिट्ठी आ गई, चिट्ठी आ गई। किस लिए हुआ? क्या वर्क फ्रॉम होम इनका? उसमें तो उसने हुआ ना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। गाइस दिल्ली में बहुत बुरे हाल हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बुरे हाल। मैं तो ऑफिस से आई नहीं पाई, कल निकल गई थी मैं 4 बजे, निकल गई थी, तब भी 6:30 बजे पहुंची हूँ। मेट्रोज नहीं चल रही, सारा वाटर ओवरफ्लो हो रखा है, हर जगह पानी 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 हो गया। फ्लाईओवर में इतना भाई पानी भरा हुआ था, कल न्यूज देखा तो तब इनके ऑफिस वालों ने कहा कि अभी चलो आज वर्क फ्रॉम होम रखो, जो आ सकता है विदाउट एनी, तो फिर वो छुट्टी हो गई है। नोएडा में लेकर हमारा मस्त हो रखा है। योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। चलो जी, तो आज वर्क फ्रॉम होम करेंगे, मस्ती करेंगे। मंगी मंगी क्या होता है? मंगी मैगी, मैगी कह रहा है गाइस, मैगी मैगी बनाएंगे आज। हाँ आज फ्राइडे है गाइस, कल का भी हो जाए ना मजा ही आ जाएगा। ये मैंने राजमा बॉईल करने रख दिए थे, जो सीटियां मार रही थी, और मैगी हम बना लेते हैं 4 पैक। तुम भी खाओगे सेमिया? हेल्दी फूड तो सेमिया, सेमिया थोड़ी सी टेस्ट कर लेंगे, अच्छी बनाओगे, पहाड़ों वाली। नो नो नो, पहाड़ों वाली बनेगी तो मैं टेस्ट कर लूंगा। नो 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 नो, ये पहाड़ों वाले कपड़े रखे हुए हैं अभी निकाल के मैंने धोने के लिए, ये धो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
ये नाश्ता खिला दो, भूख लग रही है यार, बहुत तगड़ा वर्कआउट करा है आज। 600-700 कैलोरीज बर्न करके आए हैं दोस्तों आज। मैंने वॉच पे देखा था बाद में, पहाड़ों वाली मैगी बना दे रहा तो मैं भी खा लूंगा मस्त एकदम पहाड़ों वाली मस्त, जैसे हम पहाड़ों में खाते हैं टमाटर। 200 रुपए किलो रखे गाइस टमाटर। पांक 200 रुपए किलो। आजकल हमारे घर में टमाटर बन रहे हैं बहुत सारे, कल आलू पूरी में टमाटर, मटर पनीर में टमाटर, और इन्हें मैगी में भी टमाटर खाने हैं। ये लो दो टमाटर, इतने की तो मैगी नहीं, इतने के दो टमाटर हैं। एक डालेगा वापस जाके। अरे डालना, मैं ले आऊंगा तिल्ले और यार नहीं डालेगा। अरे इतने की मैगी नहीं, इतने के टमाटर डाल दे। 50 रुपए की 4 टमाटर। ये कितने की आती है? 56 की 4 पैकेट। वाह चलिए जी दोस्तों, फाइनली वो दिन आ गया है। पिछले हफ्ते से हम ट्राई कर रहे थे उस जगह जाने की, और फाइनली अब हम जा रहे हैं, तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब आप दिखाते हैं आपको हम कहाँ जाने वाले थे। बहुत ही मस्त जगह है, बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड जगह है, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, बहुत ही विजिट करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। चलिए भाई तैयार, चले चले जी, चलो चलो। सो जी गाइस हम पहुंच चुके हैं, ये है गोल्फ व्यू सेकंड के सामने वेद वन पार्क। चलिए जी दोस्तों अपन आ चुके हैं वेद वन पार्क, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है भाई। बहुत दूर पार्किंग मिली यार, बहुत दूर पार्किंग, लेकिन फ्री है दोस्तों यहाँ पे। वाह बहुत भीड़ हो रही है, हाँ भीड़ हो रही है। वेदा शाम वेदा, 7 भी नहीं बजेगी। वाओ वेलकम टू दुबई। यहाँ पे वॉशरूम की भी सुविधा है दोस्तों, देखो आमला लगा रखा है, आमला आयुर्वेद में यूज होता है ना आमला। चलिए दोस्तों अब हम पूरा पार्क तो घूम चुके हैं, अब वहाँ चलते हैं, वहाँ पे लाइट शो स्टार्ट होगा फाउंटेन वाला है। चलो थोड़ा सा टाइम रह गया लाइट शो स्टार्ट होने में, शायद इधर होगा, शायद लाइट शो होगा। 8 बजे स्टार्ट होता है एंड टाइम अराउंड हो गया है 7:20, मतलब 15-20-30 मिनट में हो जाएगा स्टार्ट। और ये हाउसफुल चल रहा है इधर, सारे बैठ चुके हैं पहले ही। हमें तो सीट मिल गई। सो गाइस यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है एंड बहुत देर होगी बैठे बैठे, क्या करें। अच्छा वो हमने बाल प्रेस नहीं करे, ऐसे अच्छे लग रहे हैं। ड्रोन लगाया
बहुत ही ज्यादा रश हो रहा है, तो अभी जब शो खत्म होगा तो एक साथ हो जाएगा, पहले निकल जाते हैं थोड़ा सा। हाँ सब एकदम से बाहर निकलेंगे ना तो रश हो जाएगा, बच्चों के साथ दिक्कत हो जाएगी, तो हम थोड़ा सा पहले ही निकल रहे हैं। पीछे चल ही रहे हैं, हजार लोग तो है ही कम से कम। बहुत ही ऑसम वाइब्स है गाइस, एक बार बच्चों के साथ फैमिली के साथ आना बनता है। बहुत ही अच्छा वेदों के बारे में ज्ञान दिया गया है, चारों वेद के बारे में बताया गया है, और आयुर्वेद में होने यूज़ होने वाले फूल फल उनके बारे में भी जानकारी दी गई है, मतलब बहुत ही अच्छा। ये सब तो ठीक है, बाहर वो देखो जाम लगा हुआ है। जाम लगा हुआ है। एक बार जरूर जरूर आइएगा, और फर्स्ट वैदिक थीम पार्क है इंडिया का, अमेजिंग अमेजिंग। जय हो योगी जी की। गाइस गर्मी इतनी हो गई थी, हजार लोग थे कम से कम, हजार तो रहे होंगे। हजार लोग यूट्यूबर नहीं, यूट्यूबर कम थे, तो सारे यूट्यूबर बन जाते हैं, वीडियो बनाने लग जाते हैं। उसके बगल में बैठा हुआ था, उसकी वीडियो क्लियरिटी नहीं आ रही, वो मेरा देख रहा होगा एप्पल का शायद, कह रहा भैया देख लो मेरे फोन में क्लियर नहीं आ रहा, कह रहा दिख ही नहीं रहा ऋषि मुनि। सो दोस्तों बहुत ही अमेजिंग है, वन टाइम आना बनता है फैमिली के साथ। सो एंड 101 मेट्रो स्टेशन नोएडा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से मुश्किल से 300-400 meters है, वॉक करके भी आ सकते हैं, रिक्शा विक्शा जो भी मिल जाएगा आपको फटाक से आ जाओ। और टाइमिंग है 10 से 9 है, 8 बजे शो शुरू हुआ है, लाइट शो का जो है लेजर लाइट शो है वो 8 बजे शुरू हुआ है, और पता नहीं कितने बजे तक रहेगा, हम निकल गए हैं क्योंकि बाद में सब एक साथ निकलेंगे ना, और गेट एक ही है छोटा, तो बच्चों के साथ मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने कहा छोड़ के थोड़ा सा पहले ही निकल गया। तो चलिए फिर व्लॉग देखना, बताना कैसा लगा। सिर्फ भाई मेरी बात सुनो, हमारे पीछे ना कुछ बच्चे बैठे हुए थे, वो इतना शोर कर रहे थे, इतना शोर कर रहे थे, मैं कुछ नहीं सोची ना ऐसे ऐसे चिल्ला रहे थे वो बच्चे। कैसे तू घर में चिल्ला रहा था, बाहर चिल्ला रहे थे, जैसे लाइट जल रही थी ऐसे चिल्ला रहे थे वो, दो बच्चे बाल भी खींचने लग गए थे एक दूसरे का जब तक लाइट शो शुरू नहीं हुई थी। आई गाड़ी में बैठ के थोड़ी जान आई यार, जान आ गई, बहुत गर्मी लगी थी। गाइस देखो आप लोगों के लिए कैसे गर्मी में मैं पूरी फैमिली को बैठा के रखता हूँ, व्लॉग बनाता हूँ, देख रहे हो कि एसी में बिना एसी के बैठे थे पार्क में, इतनी गर्मी भीड़ इतने रिस्क में। तो प्लीज यार लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना, प्लीज प्लीज प्लीज। अभी आके एंड कर रहे हो? एंड नहीं कर रहे, अरे भैया क्यों एंड कर रहे हो, घर जाके करेंगे, चलिए घर चलते। गाइस वहां पे जल गई है लाइट्स, मतलब शो हो गया है खत्म, सही टाइम पे निकले बाबू मसाए। अब भीड़ लगेगी, अब देखना भीड़ लगेगी, देखो लाइट जल गई, सारे सब बाहर आने लग गए। तो इसका मतलब 20 मिनट का शो है गाइस, 20-25 मिनट का, हां ज्यादा का नहीं है। आंटी हमारे साथ ही बैठी थी, ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी देर बाद मेन शो चलाए वो दिक 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 दिक, अब तो बंद होने वाला है पार्क। अरे रुको लेफ्ट लेना, कहीं से राइट ले लो ले लो, ये कह रहा है लाइट ले लो जल्दी ले लो। पार्क में लाइट जल गो जल गो जल गो लाइट बुझको 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 लाइट बुझको 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 आगो 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 सामान का आगो बन्नी को लेगो लेगो आगो आगो लेगो लेगो आगो आगो लेगो लेगो आगो। चलिए जी दोस्तों घर वापस आ चुके हैं। चलिए दोस्तों आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज 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 लाइक कर देना यार, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, राजमा रखे हुए हैं, ऑफिस का काम चल रहा है, यहाँ बैठे बैठे भी फोन में। क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया, तेरा दिमाग है।